नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। निगरानी विभाग जोरों से उन अफसरों पर कार्रवाई कर रही है। इसी बीच अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक निगरानी विभाग निबंधन विभाग के आईजी प्रशांत कुमार के खिलाफ आय से अधिक अर्जित करने का केस किया गया है। इसके बाद सुबह से ही तलाशी ली जा रही है। आय से करीब 2.68 करोड़ रुपए अधिक अर्जित करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार केस दर्ज कर कोर्ट में सर्च वारंट लेने के बाद प्रशांत कुमार के पटना और मुजफ्फरपुर सिवान के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अभी तक की गई कार्रवाई में काफी नगद और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। प्रशांत कुमार कई महकमों में रहे, जहां रहते हुए उन्होंने पद का जमकर दुरुपयोग किया है। प्रशांत कुमार तिरहुत डिवीजन मुजफ्फरपुर में एआईजी के पद पर कार्यरत हैं। सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के पद पर रहते हुए इन पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 9 नवंबर को पटना स्थित विशेष निगरानी अदालत में इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।